दानव, तू कमजोर मानव को अपने वश में करके स्वयं को शक्तिशाली समझने की भूल कर रहा है। बहुत हो गया तेरा अट्टहास, अब तू मरने को तैयार हो जा। तेरी बुराइयों की सेना ने सब आत्माओं को बहुत सताया है। बच्चे, बूढ़े, जवान और अबलाओं को तूने खून के आंसू रुलाया है। तू भूल गया ये मानव आत्माएं किसकी संतान है? तेरे द्वारा रची इस घोर रात्रि का अंत करने स्वयं सबका पिता परमात्मा स्वयं भू शिव अपनी शक्ति के साथ अवतरित हो चुके हैं। शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण, मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। मुझे भ्रमित न कर कन्या, ये कमजोर मानो मेरे बुराइयों के चंगुल से कभी छूट नहीं पाएंगे। सुना सुना तुम सबने, तुम कभी छूट नहीं पाओगे। अरे अभिमानी दुष्ट खलकामी, अंत तेरा निकट है, मृत्यु तेरी विकट है। ज्ञात नहीं तुझे आदि शक्ति स्वरूप, शिव से ही है महाशक्ति का रूप। शिव की छाया में होगा लघु आकार तेरा, नव रूपों से होगा संहार तेरा। प्रचंड तेजो में शिवरात्रि से नवरात्रि जब उत्पन्न होगी, दुष्ट असुर तेरे वध से इस दुनिया से काल रात्रि संपन्न होगी। आप सब भी अपने अंदर छिपे या बढ़ते इन बुराइयों से कदापि भ्रमित न होना। ये कितना भी आपकी जीवन बगिया में उत्पात मचाए, आप उस ज्ञान सूर्य शिव से जीवन में शक्ति भर इस दानवता पर विजयी बनो, विजयी बनो। इन्हीं विभिन्न शक्तियों का रहस्य आज मैं आपके समक्ष खोलने जा रही हूँ। अपने अंदर सुषुप्त इन शक्तियों को आज यहाँ से ही जागृत करने का प्रण लें। हे महाशक्ति, हे शिव की शक्ति, प्रकट हो, प्रकट हो।